बहुत जल्द ना तेरी सच्चाई सबको पता चलने वाली। फिर देखें किसकी जुबान ना कितना चलती। चाहे तुम मुझे अपना पति मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें सच में अपनी पत्नी मान चुका। अच्छा, जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया? ये दे दे। पता है पापा, मैंने और बुआ जी ने मिलकर ना खूब इंजॉय किया। पापा ने गलत कहा कि मैं खुशकिस्मत। अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सही कह रही हूं मैं, पापा गलत है। मैं खुश नसीब हूं क्योंकि मुझे निशान जैसा दोस्त मिला। लेकिन मैं उससे भी ज्यादा खुश नसीब हूं क्योंकि मुझे रोहन जैसा भी दोस्त मिला। कोई माने या ना माने, मैं प्रतिष्ठा की बात से पूरी तरह सहमत हूं। और मैं तो हमेशा इसकी बात मानता हूं। राइट राइट पापा। पापा आपको पता है, अगर एंड मोमेंट पे रोहन आके शो को हैंडल नहीं करता ना, तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता। रोहन ने लास्ट मिनट पे शो हैंडल किया, दैट्स गुड, काबिले तारीफ। लेकिन जहां तक बेटा नफे और नुकसान की बात है, वो तो बिजनेस में चलता रहता है। बिजनेस करते वक्त फायदा नुकसान नहीं सोचा जाता, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। कभी खुशी कभी गम। सर, वो नए प्रोजेक्ट के बारे में मेरे पास कुछ और आइडियाज हैं, तो अगर आप कहें तो। नहीं बेटा, नया प्रोजेक्ट बहुत ही प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ उस पर मैं खुद काम करूँ। थैंक यू। आप ओके, नो प्रॉब्लम। आप सब बातें ही करते रहेंगे यार, नाश्ता भी ठीक से करेंगे? नाश्ता भी करेंगे, चलो बैठो। नहीं नहीं, मुझे किचन में कुछ काम है, आप सब कीजिए। रोहन, तुम्हें पता है पापा मेरे लिए ना बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं, दिखाऊं? चल चलो। चलिए सब, मैं भी निकलता हूँ। कहाँ जा रहे? सब यहाँ पे सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए, मैं यहाँ क्या करूँ? मैं कोई नहीं हूँ। सॉरी सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। कम यार, कम कम सेट। डोंट फील लेफ्ट आउट। मैं जानता हूं रोहन की वजह से तुम लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, जबकि मुझे पता है तुम प्रतिष्ठा के सच्चे दोस्त। तुमने उसका साथ हर हाल में दिया, तुमने उसका साथ तब दिया है जब वो बुरे वक्त से गुजर रही। और सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे और अच्छे दोनों वक्त में साथ दे। I'm sure प्रतिष्ठा को भी इसका एहसास जल्दी हो जाएगा। सो मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, अगर इतना अच्छा होता तो हर कोई मुझे पसंद करता, सिर्फ आपने। तुम्हें सब पसंद करते, मैं पसंद करता हूँ, तुम्हारी आंटी पसंद करती हैं, और प्रतिष्ठा भी तुम्हें पसंद करती। और मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में प्रतिष्ठा के लिए क्या है। सर, आपने जब बात छेड़ दिया तो मैं भी कुछ कहना चाहता। मैं शुरू से ही प्रतिष्ठा को पसंद करता हूँ, उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो है कि मुझे सिर्फ दोस्त की नजरे से देखती है। तुम एक बहुत ही अच्छे, मेहनती और हेल्पफुल लड़के, डोंट लूज होप। देखना, वक्त बड़ा बड़ा के रुख बदल देता है, और एक दिन प्रतिष्ठा को भी इस बात का एहसास होगा। उत्तरी, इसे कहते हैं किस्मत का धनी। एक ही मंडप में एक आदमी ने तीन औरतों से शादी की। ओहो पल्लू जी, तुसी वीना। अरे क्या तुसी वीना, आगे भी बोलो, सही है ना? बच्ची से क्या पूछ रहे हो? क्यों ना पूछूं, मेरी बच्ची है। पहले मुझे ये तो पता चले कि आप दोनों के बीच फैसला किस बात का होना है। ये बात भी सही है। अरे हरमंदर पुत्ता, क्या मम्मी जी, आपको कितनी बार कहा है मुझे पैम बुलाया करिए। क्यों, आपको पैम बोलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ वदिया नाम है, परमिंदर खुराना मेरी दादी का नाम था। पापा जी, आपकी दादी,
अब चलो आप लोग बात करो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? मैं निशान से मिलने जा रही हूँ। अब पुत्र वो गधा कहाँ है? जी कौन? अरे वो बैंड मास्टर तेरा सुहाग। मेरी भी पता नहीं क्या मत मारी गई थी, उसे पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। एक बात बताऊं, मुझ पर क्या पूरे पंजाब में किसी पर नहीं गया? ओ जी बल्लू जी, तुसी क्या बात कर रहे हो? आप ही का पुत्र है, आप ही पे जाएगा, पूरे पंजाब पे क्यों जाएगा? तुसी भी ना आस्था पुत्र, मैनू पता सी तू यहां कुछ बोले ना बोले फेसबुक पे कमेंट जरूर करेगी। मॉम मैं बाहर जा रहा हूं, लेट नाइट आऊंगा। किथे जा रहा है? अरे भाई बता भी दे कहां जा रहा है। मूवी जा रहा हूं डैड, पूछ लिए और भी कुछ पूछना बाकी है? नहीं पूछना क्या, इसमें पूछने वाली क्या बात है, बताना बाकी है। आशा बेटा तू तो सवेरे से तैयार हो जाती है ना, एक काम कर तू इसके साथ चली जा। डैड ये वहां जाकर क्या करेगी? थिएटर में जाके क्या करेगा? डैड मूवी देखूंगा। ये भी देखेगी? डैड मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं, ये बोर हो जाएगी वहां पे। करण इस भाषा में समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या? इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊं? आस्था पुत्र तू वैसे तो तैयार है पर बाहर जाने वाली तैयारी कर। चल तू इसकी निगाह मत, और इसने अगर तुझसे कुछ भी कहा ना मुझसे फिर देख इसके चेहरे का नक्शा कैसे बदलता हूं मैं। क्या हाउसफुल है यार? देख किसी तरह एक और टिकट करा दे वरना मैं नहीं चल पाऊंगा। अबे यार मुसीबत ही समझ यार, मुसीबत बता के थोड़ी ना आती है। चल अब मैं रख रहा हूं, प्लीज करा दियो एक और टिकट। ठीक है एकदम से भूत की तरह आके खड़ी हो गई, खामखा डरा दिया। आप डरते भी हैं? बहन तो कह रही थी कि आपको सिर्फ दूसरों को डराने की आदत है। तुम्हारी ये बकवास सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फटाफट तैयार हो जाओ। मैं तो रेडी हूँ। अगर इसी तरह चलना है ना तो मॉम के साथ गुरुद्वारे चली जाओ, हम मूवी देखने जा रहे हैं, कोई भजन कीर्तन में नहीं। क्यों क्या बुराई है मेरी ड्रेस में? गंदा है, मैला है, क्या प्रॉब्लम है? इन कपड़ों में ना तुम बहन जी लगती हो, मेरे साथ चलना है ना थोड़े ढंग के कपड़े पहनो, यू नो समथिंग शॉर्ट एंड हॉट। आप मुझे मूवी दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं या रैंप वॉक कराने? देखो मेरे पास तुम्हारी ये बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पता नहीं डैड को क्या सूझी थी, क्या मुसीबत मेरे पीछे लगा दी। ठीक है मैं नहीं जा रही हूँ, आप खुद ही चले जाओ और इस मुसीबत को घर पे ही छोड़ दो। हाँ हाँ तुम तो यही चाहती हो ताकि तुम्हें डैड से मुझे एक बार फिर डांट खिलाने का मौका मिल जाए। उनकी चिंता आप मत कीजिए, मैं पापा जी से कह दूंगी कि मेरा ही दिल नहीं कर रहा था मूवी जाने का तो मैंने ही मना कर दिया, आप चले जाइए। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बैठिए, क्या हुआ आपको? दिखाइए क्या कर रही हो, मेरे पैर में मोच आ गई है, दर्द हो रहा है। दिखाइए क्या हुआ, एक मिनट। क्या हुआ? मजा आ रहा है इसलिए चिल्ला रहा हूं, दिख नहीं रहा, दर्द हो रहा है। अब तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? पापा जी सही कहते हैं। क्या छोड़िए अब बताऊंगी तो बुरा मान जाएंगे आप। नहीं नहीं बोलो बोलो। वो पापा जी कहते हैं ना वो गधा
प्यार से कहते हैं, समझी? आप क्यों हंस रही हो? पापा जी गधा प्यार से कहते हैं, लेकिन आप तो बड़ी शान से कह रहे हैं। और एक बात, आज आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब पैर ठीक हो जाएगा तब जाना। नहीं रुकिए, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ, आपका दर्द कम हो जाएगा। I'm sorry, तुम इन कपड़ों में भी बहुत अच्छी निशान, क्या कर रहे हो? फिल्म देख रहा हूँ, देखोगी? Very funny. वैसे सब भद्दा मजाक करने का मतलब? जब सवाल ही इतना भद्दा है, तो जवाब क्या एक्सपेक्ट कर रही थी तुम? जब देख रही हो कि डिजाइन बना, तो ये पूछने की क्या जरूरत है कि क्या कर रहा हूँ? ओके बाबा, गलती हो गई बस। वैसे तुम तो टेलर हो ना, फिर तुम ये डिजाइन क्यों बना रहे हो? अच्छा, ये कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि सिर्फ डिजाइनर ही डिजाइन बना सकता है, टेलर नहीं? अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। व्हाट आई मीन इज टू से कि जिसका काम उसी को भाए। मैडम, ये भी एक हुनर है, हर किसी की बात नहीं होती। अब हो सकता है कि तुम्हें जो काम आता हो वो मैं ना कर पाऊं, और जो मैं कर पाऊं शायद वो तुम ना कर पाओ। एग्जैक्टली, जो हर काम करने की कोशिश करता है ना, वो किसी एक काम में परफेक्ट नहीं होता, और जिसे एक काम आता है ना, वो बिल्कुल उसमें जो है ना एकदम एक्सपर्ट होता है, एकदम परफेक्ट होता है। एटलीस्ट उसकी ट्रेन एक पटरी पर तो रहती है। और वैसे भी दो कश्ती में पाव रखने वाला इंसान कभी भी डूब सकता है। एक काम करो, तुम अभी कॉफी पी। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। मैडम, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। और रही बात धोखे की, तब इतना धोखा और ठोकर खा चुका हूँ ना कि अगर अब ठोकर नहीं लगती तो अजीब लगता है। क्या बात है यार, मतलब मैं पहली बार अपनी लाइफ में ऐसे इंसान से मिल रही हूँ जो ठोकर ना खाने पे इतना पागल हो जाता है। हो गई तुम्हारी बकबक खत्म, तो जरा मैं अपने काम पे फोकस कर लूँ, अपने डिजाइन कंप्लीट कर लूँ मैं। अरे मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी और कुछ नहीं। बाप रे, अभी तो तुमने इतना बड़ा भाषण दिया मुझे कि एक डिजाइनर को ही डिजाइन बनाने चाहिए। तुम क्या कोई डिजाइनर हो जो मुझे हेल्प करोगे? ठीक है वैसे झूठी तो नहीं है ना कॉफी? झूठा होगा तो? हाँ मैंने कहीं सुना है कि झूठा पीने से ना प्यार बढ़ता है ना, तो मैं इसे पक्का पीऊंगी। वैसे अच्छी बनी है कॉफी, तुमने बनाई है? ऐसे कुछ सोच लो। क्या बात है यार, मतलब तुम डिजाइन भी बना लेते हो, कॉफी भी बना लेते हो, कितने बड़े एक्सपर्ट हो तुम। बोला था ना ये भी एक हुनर है, सबके बस की बात नहीं होती। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो तुम्हें? किसी को लीची खाते हुए नहीं देखा क्या? देखा तो बहुत बार है, लेकिन इस तरह से खाते हुए सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। आज लाइव देखने को मिल गया, बस इसीलिए देख रही थी। ये अमीरों की स्टाइल है, तुम नहीं समझोगी। हाँ मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो सिर्फ इंसान के खाने का तरीका आता है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मैं इंसान नहीं हूं?
मैंने ऐसा कब कहा? पर अगर आप ऐसा मानती हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आप क्यों घूर रही है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप लीची खाइए ना, बहुत अच्छी लगती है खाते हुए। मैं लीची खाऊं, एप्पल खाऊं, आम खाऊं, तो मैं उससे क्या करना? तुम्हें तुम्हारी ड्राइंग बुक मिल गई ना, जाओ तुम यहाँ से। चली जाऊंगी बुआ जी, जब वक्त आएगा तो चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। वैसे एक बात बोलूं, आप ये तो नहीं कह सकती कि आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपको बात बुरी तो लगेगी ही। फिर भी बोल देती हूँ, रहा नहीं जा रहा ना। क्या बात है, आजकल आप ऑफिस नहीं आती हैं, मम्मी के खिलाफ भी कुछ बुरा भला नहीं बोलती, आप चुप रहने वालों में से तो है नहीं। तो मेरी चिंता करना छोड़ दो प्रतिष्ठा, अपनी फिक्र करो। शेरनी अगर दो कदम पीछे हटती है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कायर है, वो अपने कदम इसलिए पीछे हटाती है ताकि वो अपने शिकार पर लंबी और तेज छलांग लगा सके, समझी? बार बार ऐसे क्यों घूर रही हो तुम मुझे? क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा डिजाइन बना रही हूँ। मुझे तुम्हारी डिजाइन की कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। बेटा, तेरा वो बैंड मास्टर कहाँ है? अपने रूम में होगा डैड। अरे रे रे, अच्छे भले आदमी को डैड बना दिया है अंग्रेजों ने। अरे बेटा, कभी बाबूजी बोला कर, पापा जी बोला कर, कितना अच्छा लगता है पापा जी। ये डैड वैड मेनू चंगा नहीं लगता। डैड इट्स कूल। कूल करण पुत्र, जल्दी आ जा, खाना ठंडा हो रहा है। ओए तू खाना क्यों नहीं खा रही? बहुत ऑयल है। हाँ ऑयल है तो तुझे बटर चाहिए। अरे हम पंजाब के शेर हैं, पंजाबों की तरह खा, चल। नहीं पापा जी, मुझे, मैं जानती हूँ ये बटर के बिना कहाँ खाएगी। ये लो बटर। That's so sweet of you, भाभी। सैलेड खाओगी? हाँ। दादी जी शुरू करें। अरे पुत्र को तो आने दो। करण पुत्र, ये तनु क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, कमरे में बिल्ली घुस आई थी तो उसे भगाते भगाते फिसल गया। इसका मतलब तू मूवी देखने नहीं गया? नहीं डैड। बेटा तूने सवेरे आस्था को मूवी पे ले जाने से मना किया था ना, रब ने तुझे नहीं जाने दिया। ठीक है डैड, पता है मुझे रब जो करता है वो अच्छा ही करता है। मॉम आज खाना कितना टेस्टी बना है। खाना आज मैंने नहीं, आस्था ने बनाया है, उसकी तारीफ कर। भाभी एक पराठा तो दो। हाँ करण, तू आस्था को लेकर सोमा के यहाँ चला जाना, उसका फोन आया था। क्यों पापा जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है,
फिकर ना कर, रब दी मेहर है। उसे याद आ रही थी, उसने फोन कर दिया। ठीक है डैड। हाँ तो मैं क्या कह रहा सी? हाँ मैं कह रहा सी कि शादी के बाद शुरू शुरू में डॉली जी भी कमाल खाना बनाती थी। अच्छा पापा जी, मतलब इसका मतलब है कि मम्मी जी अभी अच्छा खाना नहीं बनाती। ओए मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने पिटवाएगी यार, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। अरे तेरे मम्मी के हाथ के जैसा खाना तो पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलता। जी उससे भी ना। वैसे मैम एक बात बताऊं, आज मेरी नू ने डॉली जी से भी अच्छा खाना बनाया। ये डैड क्या कह रहे हैं? किस बारे में? यही कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें कल बुलाया। क्यों? क्या पता। आई मीन फिर भी एक बार अपने पापा से फोन करके पूछ लेना कि क्यों बुला रहे हैं। आपको अगर नहीं आना है तो मत आइए, इट्स ओके, मैं जरूर जाऊंगी। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हर बात पे नाराज हो जाती हो। अरे पहले मुझसे पूछ तो लो मैं क्यों नहीं जाना चाह रहा हूं। यूं लंगड़ाते हुए अपने सास ससुर के सामने जाऊंगा, अच्छा लगेगा क्या? ओह आई एम सो सॉरी, मेरे ध्यान से ही हट गया था, मैं बिल्कुल भूल गई, वरना पापा जी के सामने ही मना कर देती। कोई बात नहीं, मैं कल पापा को फोन करके बोल दूंगी कि हम नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। ये तुम रोज रात को सोने से पहले क्या प्रे करती हो? कहीं ऐसा तो नहीं है अपने भगवान से ये मांगती हो कि हे भगवान इस करण से मेरा पीछा छुड़ा दे, या इस करण को उठा ले अपने आप ही पीछा छूट जाएगा। प्लीज आप ऐसा मत कहिए। इतना सीरियस क्यों ले रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक में भी ऐसी बातें मत कीजिए, मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, पर करण मैं आपका कभी बुरा नहीं चाहूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। कि गाय को काबू करने के लिए उसके बच्चे से प्यार करना जरूरी है, उसके बच्चे से प्यार करो, गाय अपने आप दूध दे देगी। लेकिन आपके भाई है ना, चील की नजर रखते हैं मेरे ऊपर, एक भी कदम गलत पड़ा ना तो यूं मुझे वो पकड़ भी लेंगे। मुझे अपना टाइम लेने दीजिए, वरना आपके मंसूबे तो बेकार हो जाएंगे, वो अलग, मुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी, जिसका मुझे बिल्कुल शौक नहीं है।